बहुत अच्छा खेलता है, बहुत चिकना बंदा है और उसकी बीवी बहुत प्यारी है। बीवी प्यारी है, बंदा नहीं प्यारा। नहीं, बंदे की क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, लिटरली सेंचुरीज करता है यार। मतलब उसका कुछ भी मुकाबला है, कंपटीशन है। वर्ल्ड कप को लेके क्या कहोगे, कौन सी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके जाएगी? आई थिंक इंडिया। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? बस यार, मैं तो वैसे भी इंडिया की सपोर्ट करती हूं, पाकिस्तान के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ हो, किसी के भी साथ हो, मैं वैसे इंडिया की सपोर्ट करती हूं। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि उसके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे पाकिस्तान तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी और कहूंगी कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या लगता है आपको फिनाले की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? इंडिया, टिकट तो सब दिख जाता है। और मैंने ये न्यूज पढ़ी है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो आज विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया है। टाई हो गया, अभी एक सेंचुरी और चाहिए और ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही है वो, वैसे इतना जीनियस, इतना ब्रिलियंट और इतना मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है विराट कोहली का नाम सुन के। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो सुपर कूल तो है ऑब्वियसली, और वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा प्रूव करते हैं कि आई एम द बेस्ट। और विराट कोहली के लिए बस ये कहूंगी। इंडियन क्रिकेट टीम को लेके क्या कहोगी, 8वां कंसेक्यूटिव मैच वर्ल्ड कप का वो लोग जीत चुके हैं, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने उधर प्रैक्टिसेस की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है इसलिए, लेकिन फिर भी लोग हार जाते हैं। जैसे इंडिया ने हमें भी हराया हुआ है हमारे होम ग्राउंड में आके, तो अब वो अपने होम ग्राउंड में जीत रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बात है कि 8 कंसेक्यूटिव मैचेस वो जीत रहे हैं। आपको नहीं लगता ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगी ये चीज के कोई मैच अभी तक वर्ल्ड कप का हारे नहीं, और अगर वो फिनाले की भी ट्रॉफी ले जाते हैं तो सोने पे सुहागा है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पड़ोसी मुल्क में फिर आतिशबाजी हमें होती हुई नजर आएगी मुझे लग रहा है। हम क्या करेंगे, हम भी उन्हें चीयर करेंगे यार, हमारा हमसाया मुल्क है, अगर वर्ल्ड कप जीत रहा है तो अच्छी बात है बहुत, और हम हमारी भी कोशिश होगी कि अगली बार हम और ज्यादा कोशिश करें, और ज्यादा तैयारी के साथ आएं, और ज्यादा जो है ना इसको चीयर अप करें। ऑलवेज किंग क्रिकेट में वो किंग है और तकरीबन रहेगा भी, और अपनी फिटनेस पे, कॉम्प्रोमाइज पे जो भी करता है दिल से करता है वो नजर आ गया है, और मेरा ख्याल है तेंदुलकर को क्रॉस कर जाएगा वो, अभी उसने और 2-3 साल क्रिकेट खेलनी है। समझे, कर गया। क्या कहेंगे इंडियन टीम की बैटिंग पे और बॉलिंग पे? बिल्कुल कह लें कि हर चीज उनकी परफेक्ट जा रही है, होम ग्राउंड का भी, होम क्राउड का भी फायदा है, होम ग्राउंड का भी फायदा है, और अपने आप को वो देख रहे हैं कि फाइनल में जीतने वाला वो तकरीबन ऑलमोस्ट